ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी जराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए जो जुलाई का मध्य भाग है, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना रहा है। देखिए वृषभ राशि वालों, जुलाई के मध्य भाग में कई ग्रहों के परिवर्तन का योग है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो सूर्य महाराज आपके पराक्रम भाव को जाकर प्रकाशित करने के सुंदर योग बनाएंगे। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम, व्यवसाय के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन सब के जीवन में सूर्य प्रकाश जो है, सूर्य का जो तेज है वो जानी विश्वास समझे कि मतलब एक कार्य योग बनेगा कि जो आपके पराक्रम में चार चांद लगाने के योग बन सकते हैं। सूर्य इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाने के योग बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और साथ साथ यदि हम बात करें तो इसी मध्यकाल के अंदर मंगल और बृहस्पति का योग भी बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति से पीछे रहेंगे मंगल और आपके लग्न में ही योग बनाएंगे। कहा जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि यदि मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हो और बृहस्पति जो है से वो मंगल से आगे रहें तो वो विशेष तौर पर एक प्रकार से हिंसक प्रवृत्ति की तरफ ले जाते हैं, अशांति का वातावरण बनाते हैं और कई प्रकार से कष्ट भी देने के योग बना सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे में जब पराक्रम करेंगे, रिजल्ट्स लाने का प्रयास करेंगे तो कई बार एग्रेसिवनेस भी बढ़ सकती है, तो उस एग्रेसिवनेस को शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और इस बार विशेष तौर पर जब सूर्य का परिवर्तन हो रहा है तो यदि हम बात करें तो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति दोनों ही एक वार में पड़ने के योग बन रहे हैं। दोनों के दोनों मंगलवार को ही पड़ रही हैं और ये मंगलवार को पढ़ना ये एक और महंगाई की मार दे सकता है पूरे विश्व में, साथ साथ अशांति का वातावरण बना सकता है। और कहीं ना कहीं प्रकार से इस वक्त देखें तो जो बाजार का रुख बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें भी आगे आने वाले समय में कुछ झटके पड़ने के योग दिखाई देते हैं, तो सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझें आपके ग्रह नक्षत्र क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं आपके लिए जुलाई के मध्य भाग में। यदि हम 11 जुलाई की बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर पंचमी तिथि है और साथ साथ कन्या राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का पदार्पण उस दिन चल रहा है और आने वाले समय में चंद्रमा का जिस प्रकार से बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है 3-4 दिनों के लिए, ये आपकी राशि के अनुसार से कहीं ना कहीं आपके लिए विजय के योग बनाता है, धन आगमन के सुंदर सूचना देने के योग बनाता है। तो ऐसे में परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। जब तक ये कन्या में चलेंगे विशेष तौर पर तो तब तक गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग भी रहेगा, चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण है। ऐसे में भगवती की सुंदर आराधना यदि कर ली जाए तो बहुत सुंदर प्रकार से आपके लिए और सोने पे सुहागा योग बन सकता है। ये 4-5 दिन के दिन जो हैं जुलाई के मध्यकाल के में विशेष तौर पर बहुत विशेष हैं आपकी राशि वृषभ राशि वालों के लिए। तो यथा उचित प्रकार से भगवती दुर्गा की उपासना करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। हमारे आश्रम पर विवेकानंद योग आश्रम में सहस चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन चल रहा है इस दौरान गुप्त नवरात्रि के अंदर, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। अपने नाम से सुंदर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आहुति प्रदान करने का सुंदर योग बन सकता है आपके लिए। तो आप कोशिश करें इस सुंदर तिथि पर अवश्य मां भगवती का स्तवन करने का प्रयास करें। कौमारिक षष्ठी का सुंदर योग बना हुआ है और साथ साथ नवरात्र का पंचम दिवस है और जो प्रातःकाल उदय तिथि के अनुसार से है तो उस दिन मां स्कंद माता का ध्यान किया जाता है। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास कीजिए। अपने बड़े बुजुर्ग के साथ संबंधों को ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी कई बार हो सकता है कि सामने वाले के ज्ञान से आपका जो अनुभव बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने बड़ों का ध्यान रखना, उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ क्लैश होने के योग दिखाई देते हैं, उससे शांत रहिएगा। 12 जुलाई की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर षष्ठी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और साथ वैवस्वत सप्तमी का योग भी इस दिन बन रहा है। और इसी दिन मंगल महाराज जो है परिवर्तित करके राशि वृषभ राशि में आ रहे हैं, 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में बृहस्पति के साथ सुंदर योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। गज केसरी योग आपके लिए गोचर में बना ही हुआ है जो आपके लिए आगमन के लिए सुंदर सूचना दे रहा है। पुरुषार्थ में अच्छी वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन
पुरुषार्थ करें बिल्कुल, लेकिन बियॉन्ड जाके ना करें, इस बात का ध्यान रखें। मंगल बृहस्पति का योग जो है तो ज्ञान और साथ साथ पुरुषार्थ दोनों, कई बार क्या होता है कि आदमी उत्साह में अत्यधिक जो कार्य कर लेता है वो नुकसान दे सकता है, नेगेटिव मत सोचिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। विचारों को पॉजिटिव रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है इन दिनों आपके लिए, तो विचारों को पॉजिटिव रखेंगे और यदि कोई मन में नेगेटिव भाव आ रहा है देख लीजिएगा वो सामने नेगेटिव घटना आपके घट सकती है, तो जो मन में भाव आ रहे हैं उसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान सूर्य का ध्यान करें, सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वैवस्व सप्तमी है और सूर्य हमारे संसार के अंदर कहा जाता है प्रत्यक्ष देवता है, तो सुबह सुबह उनको जल्द अर्पण करें और हो सके तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। शुक्रवार का अवसर है, माँ भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना कर आप आगे बढ़ने का सुंदर मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो और जैसा हमने कहा कि गुप्त नवरात्रि चली रही हैं, अवश्य भगवती का सुंदर स्तवन करें। माँ हमारे आश्रम में जो भगवती का सुंदर शिव विग्रह है उनके सानिध्य में आने वाले भी 2-3 दिन तक और सुंदर यज्ञ चलेगा जो सहस्रचंडी महायज्ञ है, आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। 13 तारीख का अवसर, 13 जुलाई शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और उस दिन बृहस्पति और अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए रोहिणी के तृतीय चरण में, चंद्रमा का जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र उसके और आगे वृद्धि के योग बना रहे हैं और ये आपके लिए एक अच्छा योग है जो भाग्य को जगाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कुंडली में भी इस वक्त देखें चंद्रमा और बृहस्पति का सुंदर योग बना हुआ है, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं और ये आपके लिए एक तरह से यदि आप पॉजिटिव रहते हुए, बस एक ही कंडीशन है पॉजिटिव रहते हुए कार्य करोगे तो इस गजकेसरी का योग का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जितना हो सकता है अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर चांसेस बन सकते हैं। शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है, भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन करें, देखिए ये आपके समस्त कष्टों को हरेंगे। हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक भी कर सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के सुंदर योग बनेंगे। 14 जुलाई का अवसर रविवार का अवसर है और इस दिन अष्टमी और नवमी का सुंदर योग है और ये योग विशेष तौर पर दिखाता है कि चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे सुबह 8:39 पर और ये जो परिवर्तन का योग आपके लिए बनेगा थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भारी हो सकता है। वृषभ राशि वालों एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ध्यान रखते हुए कार्य करें, हो सके तो सबसे बढ़िया है चावल का दान करना, चावल का भोग भगवती को लगाना और उसी से थोड़ा सा हवन भी कर लें खीर से, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमो देवे महादेव शिवाय सत्यम नमः नमः प्रगति भद्राय नेता पंडिता सुनाम। इस मंत्र से यदि देवी सूक्त से सुंदर भगवान भगवती का इस सुंदर तिथि में यज्ञ कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये आपके लिए गृह नक्षत्रों की चाल रही और इन सब के निवारण के लिए जो हमने सुंदर आश्रम पर यज्ञ रखा है उसकी पुनाहुति की वेला भी आ गई है, तो इस सुंदर अवसर पर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से सुंदर नवरात्र की पुनाहुति का यज्ञ रहेगा। आप सब लोग जो 9 दिन तक सुंदर कार्यक्रमों में सुंदर भाग लिए उन सब के यज्ञ की पुनाहुति का सुंदर कार्यक्रम विवेकानंद योग आश्रम में सुबह रखा गया है, तो आप सब उसमें सहर्ष उल्लास के साथ सम्मिलित होकर भगवती दुर्गा के स्तवन करने के लिए कार्य करें तो आपके लिए कल्याण का सुंदर अवसर और बनेगा। और आप सबने जो यज्ञ किया है उसका प्रसाद भी आपको बहुत जल्दी भेजा जाएगा, चिंता ना करें। 15 जुलाई के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो है सोमवार के दिन जो बन रहा है वो भी समझ लीजिए। 15 जुलाई के दिन सोमवार की तिथि है, नवमी तिथि है, भड्डली नवमी का सुंदर योग है और ये अनसूज साया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो ग्रह नक्षत्र जिस वक्त जो है थोड़े खर्चे कराते दिखाई दे रहे हैं, आपके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसके लिए आपके लिए अच्छा ये रहेगा महामृत्युंजय का मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का सुबह सुबह दूधाभिषेक थोड़ा चावल डाल के करेंगे तो भगवान शंकर की प्रसन्नता से आपके स्वास्थ्य में भी कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। भड्डली नवमी जैसा हमने कहा यह आखिरी अनसूच साया है, इसके बाद 4 महीने के लिए साये समाप्त हो जाएंगे, विवाह इत्यादि बड़े जो कार्य हैं उनके लिए फिर तिथियाँ जो है वो विशेष तौर पर भेद की युक्त मानी जाती हैं, तो इसलिए भड्डली नवमी एक अनसूच आखिरी अनसूच साया माना जाता है। 2 दिन बाद देव शयन होता है तो इस दिन जो भी कोई कार्य आरंभ करना है तो निर्द्वंद भाव से उसका सहयोग उसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, भगवान की कृपा से कार्य में सफलता प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 16 जुलाई का दिन अद्भुत है, मंगलवार का अवसर है और साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, संक्रांति का योग बन रहा है और ये संक्रांति मंगलवार को पड़ रही है और दिव्य योग ये बना है कि 2 संक्रांतियाँ बिल्कुल सम्मुख की संक्रांतियाँ यानी कर्क और मकर राशि की संक्रांति मंगलवार को ही पड़ने के योग बन रहे हैं। ये योग जो है वो विशेष तौर पर दिखाता है कि महंगाई की मार आने वाले कुछ समय में संसार को कष्ट दे सकती है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, कई जगह विश्व में महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर होती दिखाई दे रही है। विश्व में वैसे ही युद्ध का वातावरण चल ही रहा है, मंगल बृहस्पति का योग जो है वो अशांति का वातावरण बनाता है, ऐसे में अपने घर परिवार को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इन सब ग्रहों को ठीक करने के लिए हनुमान जी का स्तवन करना सबसे बढ़िया रहेगा।
सुंदर तिथि है, मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पदार्पण जो हो रहा है, कि सूर्य का परिवर्तन करने का योग जो बन रहा है, ये सब आपने समझा। हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ करें, शाम को करीब करीब जब करीब 9:30 बजे के आसपास चंद्रमा का परिवर्तन होगा, उसी वेला में हमने आश्रम पर विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप सब लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, सवामणि का भोग लगेगा, आप सब इस सुंदर कार्यक्रम में अवश्य भाग लें और देखिए भगवान की कृपा से सुंदर कष्ट को दूर करने का योग बनेगा। चंद्रमा बृहस्पति के सम्मुख आगे गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और ऐसे सुंदर योग में वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा विराजमान है, मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का जब सुंदरकांड का पाठ अद्भुत कल्याण करने वाला है, तो अवश्य सानिध्य लें भगवान का। 17 जुलाई की भी बात कर लेते हैं, बुधवार का अवसर एकादशी तिथि है और उस दिन देवशयनी एकादशी का योग बन रहा है। ये देवशयनी एकादशी यानी भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देव जो है वो 4 महीने के लिए शयन में जाएंगे और भगवान शंकर के पास समस्त संसार का आधिपत्य प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि भगवान शंकर भोलेनाथ हैं और उन पर जो प्रसन्न करने का उनको प्रयास करेगा बड़ी जल्दी से वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए संसार में समस्त लोग जितने भी हुए उन्होंने भगवान शंभु को प्रसन्न कर कर ही इस संसार में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इसलिए सावन का महीना भी आने वाला है और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है, समय से आपको अवगत कराएंगे, आप भी अपने नाम से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहयोग जो दिखा रहे हैं वो भी जान लीजिए, आने वाले 3-4 दिन आपके लिए सुंदर इनकम को बढ़ाने के रास्ते, प्राप्त होने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। चंद्रमा जो है मन का मालिक और आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेगा, वहाँ थोड़ा सा मन में नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकता है, मन को पक्का करके यदि रख लिया आपने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा को प्रशस्त करने के लिए सबसे अच्छा ये आपके लिए रहेगा कि आप चावल का नित्य प्रति दान करें और हो सके तो विशेष तौर पर भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 18 जुलाई की ग्रहण गणना कहती है बृहस्पतिवार का अवसर द्वादशी तिथि है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके जो ग्रह हैं वो तो बिल्कुल उचित दिखाई देते हैं, कई मामलों में आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं, नई दोस्ती बन सकती है और साथ साथ आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होने के योग भी ग्रह दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन करते हुए, भगवान शंकर का स्तवन करते हुए यदि आप द्वादशी का सुंदर अवसर है बृहस्पतिवार है पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो भगवान विष्णु के निमित्त केले का दान करें, ये भी आपके लिए उचित रहेगा और ये आपके लिए अच्छा आगे बढ़ने का योग बना सकता है। 19 जुलाई का दिवस के लिए हम बात करें, ग्रहों का परिवर्तन का विशेष योग है, धनु में चंद्रमा सुबह 3:24 पर आएंगे और सिंह में बुध का परिवर्तन भी होने का योग दिखाई देता है और शुक्रवार के दिन जो योग बन रहा है, जो प्रदोष का योग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत विशेष योग है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का योग जो है ये विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका समझें मनोमस्तिष्क थोड़ा सा बाउंड दिखाई देता है, थोड़ा सा कार्य करने में आपको लगेगा कि बंधन आने वाले कुछ 2-3 दिन तक सता सकता है, लेकिन यदि आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, गौ पूजन करें, हो सके तो महालक्ष्मी का भी सुंदर स्तवन करें तो ये आपके लिए अच्छा रहे। खट्टे फलों का दान करना आपके लिए बहुत उपयुक्त दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ों को मैनेज करने में। देखिए मंगल बृहस्पति का योग जो है जो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव कर रहा है और आपने 3-4 दिन पहले में देखा होगा कि चीज़ों में थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी, अब बुध के परिवर्तन से उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपकी राशि वालों को थोड़ा सा सहूलत मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। यदि हम बात करें 20 जुलाई की शनिवार का अवसर चतुर्दशी तिथि है और सत्यव्रत करने का सुंदर योग है। बहुत सारे लोग जानने का प्रयास करते हैं सत्यव्रत कब किया जाए, कैसे किया जाए, कब एकादशी रहेगी, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नित्य प्रति का पंचांग भी हम आपको बताते, ग्रह नक्षत्रों का योग भी आपको बताते हैं, तो सब चीज़ें आपको सुंदर तरीके से हमारे इस चैनल पर नित्य प्रति मिलती हैं। हर रोज़ के कैलेंडर के हिसाब से हम काल गणनाओं को विशेष तौर पर आपके समक्ष विशिष्ट ज्योतिष के पंचांगों को देखकर, सब गणनाओं को देखकर आपके समक्ष रखते हैं। ग्रह नक्षत्रों की जो गणना है वो आपके लिए समझें अनुकूल बनी हुई है, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। शनि महाराज इन दिनों थोड़े वक्री चल रहे हैं, उनको उनकी वक्र गति जो है वो थोड़ी सी आपको चीज़ों को दूसरी तरफ से देखने में यानी नेगेटिव तरफ से दिखाने के ज़्यादा प्रयास कर सकती है, तो कोशिशें करें। सफलता में ये समय नेगेटिव नहीं है, थोड़ी मेहनत आपको समझ करनी पड़ेगी, हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। शनि को साधने के लिए सबसे बढ़िया उपाय हनुमान जी है, तो हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन, हनुमान जी का नित्य प्रति पूजन, चोला चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये आपकी राशि के अनुसार से बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि मंगल लग्न में चल रहे हैं, शनि महाराज विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त जो दशम भाव में चल रहे हैं वक्र स्थिति में, तो हनुमान जी का सानिध्य यदि ले लेंगे तो दोनों ग्रह आपके अनुकूल होंगे, एग्रेसिवनेस शांत होगी और आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है,
और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं, हर चीज़ का मजाक उड़ाकर जिंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देशकाल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की कालगणनाएं जो हैं वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन एक समझिए, संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल्के छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, ये कुछ ग्रहों का योगा योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है वास्तविक तौर पर, समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए, उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज ही मैं कहता हूँ, मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं, प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक के आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएँ लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ ले और ज्योतिष को हास परिहास में ना उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है, हमारे आश्रम पर नित्य निवारण। देखिए, ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में है, ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ योग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान, जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योग ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्यपति पिताजी के जमाने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुनापार खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित जो है, यहाँ पर नित्यपति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में
जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर ना गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो नित्यपति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा, और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पर रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक, भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल शिव विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई, और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्यपति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक, सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सबसे भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्ष पूर्व आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तब बहुत सीरियस केस था, और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा, भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा, चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था, वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझे कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पर जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं, उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं, और उन सबका सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा के शिव विग्रह है, उसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है, और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है, 16 जो 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।